हेलो एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जो पार्ट 4 देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत खास होने वाला है। इसमें कुछ पेक्यूलियर क्वेश्चन टाइप्स है जो यहाँ पर मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको रिविजन करवाऊंगा। 2-3 सवाल हम देखेंगे जो कि पिछले वीडियो के लास्ट मैंने कवर किया था, उसी पैटर्न के कुछ क्वेश्चन। और फिर आज के इस वीडियो में कुछ और नई बातें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका यहां पर SSC, CGL एंड CHSL का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर करवाया जा रहा है। चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ अब मैं स्टार्ट करता हूं आज के इस वीडियो लेसन को, जिसमें कि आज का पहला जो टॉपिक है, यहां पर आप देख पा रहे क्वेश्चन दिया हुआ है, टैन ऑफ 8° + 1 * टैन ऑफ 37° + 1, इसका मान क्या है। तो डायरेक्टली आप इस सवाल में आंसर मार्क कर सकते हैं 2, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है तो आप समझ के रखिए कि कभी भी जब θ1 + θ2, ठीक है, बराबर 45° हो गया, 45° हो गया, तो 1 + tan θ1 * 1 + tan θ2, ये बराबर 2 होता है। ये आपका प्रीवियस ईयर सवाल है, ठीक। तो 1 + tan 8° * 1 + tan 37° अगर आप देखें यहां पर, तो 8° + 37° 45° होता है, क्योंकि यहां पर 8 + 37° 45° हुआ, तो 1 + tan 8° * 1 + tan 37° कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, और इसके तमाम जितने भी रिजल्ट्स हैं उन सभी को एक साथ आप एक बार लिख लेंगे अपने नोटबुक पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देखिए, सबसे पहली बात, हमको जो रिजल्ट दिया हुआ है वो क्या रिजल्ट है। रिजल्ट ये है, अगर θ1 + θ2 बराबर कितना है, 45° है, ठीक, या θ1 + θ2 225° है, क्योंकि चाहे आप 225° की बात करें चाहे 45° की बात करें, tan 45° = tan 225°, और दोनों के दोनों बराबर किसके होते हैं, तो 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, देन 1 + tan θ1 * 1 + tan θ2 बराबर कितना, तो 2 होता है। साथ में इसके आप यह भी लिखेंगे कि 1 - cot θ1 * 1 - cot θ2 बराबर किसके होता है, तो ये भी 2 के बराबर ही होता है, ठीक। तो इन दोनों चीजों को आप नोट डाउन करके रखेंगे। अब ऐसा हो क्यों रहा है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैं कर लेता हूं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आपको क्या दिया है कि tan θ1 + tan θ2 = 45°। तो आप जानते हैं कि tan θ1, अगर मैं दोनों तरफ tan θ1 tan लगा लूं, तो tan θ1 + tan θ2 कितना हो गया, tan 45°। और अब तक तो आप जान ही चुके हैं tan 45° मतलब क्या होता है, तो 1 होता है। और पिछले वीडियो में हमने tan A + tan B का फॉर्मूला सीख के रखा है, tan A + B का फॉर्मूला सीख के रखा है। तो उसी tan A + B फॉर्मूले को आप लगाएंगे यहां tan θ1 + tan θ2 में। तो इसमें अगर मैं tan A + B का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म बन जाएगा tan A यानी कि tan θ1 + tan θ2 / 1 - tan θ1 * tan θ2। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे, ठीक है, tan θ2 बराबर। इस 1 - tan θ1 - tan θ2 को उठा के मैं दूसरी तरफ भेज देता हूं, इसको मैं दूसरी तरफ भेज देता हूं, ये हो जाएगा 1 - tan θ1 * tan θ2 बराबर। अब हुआ क्या, यहां पर इस tan θ1 - tan θ2 को मैं दूसरी तरफ ले आऊं तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसका पूरे वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि प्लस tan θ1 * tan θ2 = 1 के। अगर मैं दोनों तरफ प्लस 1 करूं, देखिए कभी भी इस तरीके का एक्सप्रेशन दिखता है तो तुरंत आप इस चीज को ध्यान में रखना कि 1 + a * 1 + b जो होता है, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1 + a + b + ab बराबर। यदि आपसे कोई पूछे कि 1 + a * 1 + b * 1 + c का वैल्यू क्या है, तो पहले तो यहां पर आप देखिए कि 2 * 2 टर्म थे तो यहां 4 टर्म है, यहां पे 2 और 2 टर्म है तो 2 * 2 * 2 मतलब 8 टर्म आएंगे। कौन कौन से 8 टर्म, सबसे पहले 1 a + b + c, तो ये एलजेब्रा की जैसे आइडेंटिटी के जैसे आप इसको याद रख सकते हैं, ab + bc + c है, प्लस लास्ट में abc,
देखिए यहाँ पर 8 टर्म आया, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखते साथ tan थीटा 1 दिख रहा है, tan थीटा 2 दिख रहा है, tan थीटा 1 थीटा 2 दिख रहा है, मतलब a b और ab दिख रहा है। क्या कम है? तो एक कम है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 1 जोड़ दूंगा, ठीक है, तब तब जो है हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं प्लस 1 करूं दोनों तरफ तो क्या होगा, ये प्लस 1 बन जाएगा और ये प्लस 1 हो गया, और 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2 * tan थीटा 1 tan थीटा 2 होता है 1 प्लस tan थीटा 1 into 1 plus tan theta 2, ये identity है, बराबर, is equal to 2, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको note down करके इसको close कर सकते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, और इसी में आप एक्स्ट्रा एक और चीज लिख के रखिए कि कभी भी 135 डिग्री पर क्वेश्चन बन जाए तब क्या करना है। अगर आपको दिया हुआ है इफ, ठीक है, इफ यहां पर आप लिख सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 135 डिग्री, या फिर थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 315 डिग्री। इन दोनों एंगल पे क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल पे 1 माइनस टेन थीटा 1 इंटू 1 माइनस टेन थीटा 2 बराबर हो जाएगा 2 के, और साथ में 1 प्लस कॉट थीटा 1 इंटू 1 प्लस कॉट थीटा 2 बराबर हो जाएगा 2 के। तो ये यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है 135 डिग्री और 315 डिग्री पर, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है जहां पर टेन और कॉट नेगेटिव होता है, लेकिन इन दोनों एंगल की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो इस रिजल्ट को जैसे हमने प्रूफ किया उसी के तहत आप इस रिजल्ट को भी प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सवालों की जो डिस्कशन कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये एक और रिजल्ट है, इसको आप याद करके रखेंगे कि cot a माइनस tan a इसका वैल्यू होता है 2 cot 2a, 2 cot 2a, इसको एक थ्योरम के तहत याद रखिए क्योंकि cot a माइनस tan a के ऊपर पहले भी सवाल आ चुके हैं। तो cot a माइनस tan a बाय 2 जब कर दिया इसने तो ये वाला जो 2 है ये कट आउट हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, cot 2a आ जाएगा, cot 2a, ठीक है। तो इसको हम यहां पर cot 2a इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर डी है, ठीक। अब अगेन ये रिजल्ट कैसे आया, तो मैंने आपको शुरुआती तौर पे भी बताया कि आप जितने ज्यादा आइडेंटिटीज याद रखेंगे उतने तेजी से आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सपोज करिए आपको क्या दिया था, cot a माइनस tan a, मैं कह रहा हूं कि इसका वैल्यू क्या है, 2 cot 2a, ठीक है। कैसे आया इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम अभी करेंगे। तो cot a की जगह पे आप लिख सकते हैं cos a बाय sin a, माइनस टेन ए की जगह आप लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। यदि हम इसका एलसीएम ले लें तो नीचे आ जाएगा साइन ए कॉस ए, और क्योंकि यहां साइन ए कॉस ए लिया, साइन ए से काटोगे तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, माइनस ये साइन ए ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए ऊपर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से आपको समझना होगा कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमने पिछले क्लास में कवर किया था कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 2a होता है, ये आपको याद होगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस 2a होता है, और 2 साइन ए कॉस ए जो होता है ये साइन 2a होता है। तो 2 साइन ए कॉस ए को हम बना देंगे साइन 2a, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को बना देंगे कॉस 2a। इससे क्या होगा, देखिए ये जो वैल्यू है अगर आप देखें यहां पर 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a होता है, तो मैं एक 2 अपने मर्जी से मल्टीप्लाई और अपने मर्जी से डिवाइड कर लेता हूं, ठीक। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 2 कॉस 2 है, और 2 साइन ए कॉस ए क्या हो गया, तो साइन 2 है। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, कि यहां पर जो वैल्यू है 2 कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो ये बन गया 2 कॉट 2 है, 2 कॉट 2 ए, ठीक है। तो हमने पहले ये देखा था कि टेन ए प्लस कॉट ए का वैल्यू होता है सेक ए इंटू कोसेक ए, और यहां पर अब मैं cot a माइनस tan a का वैल्यू लिख रहा हूं जो कि क्या है, 2 cot 2 है। चलिए अब थोड़ा सा आप रिलेट करके पढ़िए चीजों को, क्योंकि पहले भी हमने इन सब चीजों को देखा है जब मैंने आपको शुरुआती तौर पे एक चीज फॉर्मूला लिखाया था, ये वाला कि tan थीटा प्लस cot थीटा जो होता है sec थीटा प्लस cosec थीटा होता है। आज आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहां पे आपको बताया था कि मैं डिस्कस करूंगा sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होता है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि sin tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 cosec 2 थीटा होता है, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
ठीक है, और यहां पर 2y sin 2θ का वैल्यू आ रहा था, तो ये 2 cosec 2θ हो गया था। लेकिन अब हम यहां पर cot θ - tan θ की बात करें, तो दोनों फॉर्मूले को आज आजू बाजू लिखना ताकि याद रहे कि दोनों का वैल्यू क्या है, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में। तो दोनों चीजें जो ऐसे कंफ्यूजन वाली चीजें होती है उसको आसपास लिखना ताकि चीजें आपको क्लियर रहे। कॉट ए माइनस टेन ए का वैल्यू होता है 2 cot 2a, लेकिन अगर टेन ए प्लस कॉट ए हो जाएगा तो 2 cosec 2a होता है इसका वैल्यू। ठीक है, चलिए आते हैं वापस। चलिए इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। देखिए आपको साइन 2a दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 1 cos 2a दिया है, और आपके पास चार ऑप्शन है। तो साइन 2a का मतलब क्या होता है, 2 sin a cos a, और 1 cos 2a क्या होता है, 2 cos2। क्या आपको यह फॉर्मूला याद है? क्योंकि देखिए cos 2a जो है, इस cos 2a को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 cos2 माइनस का 1। तो अगर माइनस 1 लिखोगे तो प्लस 1 का माइनस 1 ये कट जाएगा, 2 cos2 आ रहा है, यहां पर 2 cos2 है, इस तरीके से आ जाएगा। 2 और 2 कट गया, 1 cos a, यहां से 1 cos2 को काट देगा, तो साइन ए बाय कॉस ए जो होता है ये होता है टेन ए, ये होता है टेन ए। तो आंसर इसका टेन ए हो जाएगा, ए जो है सवाल का सही उत्तर। यहां तक क्लियर हो गई बातें? ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर आऊंगा मैक्सिमम मिनिमा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी त्रिकोणमिति के अधिकतम एवं न्यूनतम मान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किसी शिफ्ट में जो है एक सवाल इस पे भी आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम न्यूनतम और महत्तम मान सीखने के पहले जो वैल्यूज हमने देखा था, ठीक है, पहले वीडियोस में, उसके ऊपर थोड़ा सा नजर यहां पर हम दौड़ाते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो ये टेबल हमने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करके रखा था कि टैन का वैल्यू क्या होता है, कॉट का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, सारी चीजें हमने डिस्कस करके रखी थी, ये सारी टेबल्स की बात। इसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर साइन थीटा जो है 0 से 1 के बीच में चला, लेकिन अगर आप यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 0 से -1 तक जाएगा। तो साइन थीटा जो होता है -1 से 0 के बीच में होता है। टैन की मैं बात करूं तो यहां प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो माइनस इंफिनिटी। मतलब टैन और कॉट ऐसे दो वैल्यूज है जो सारे रियल नंबर को कवर करते हैं, यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू यहां पर जरूर आता है। सेक की और कोसेक की मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहां जो वैल्यू है ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 या 1 के बराबर है। तो आप देखेंगे 1 से स्टार्ट हुआ और 1 से बढ़ते हुए जा रहा है। इसी प्रकार आप दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये -1 से छोटा या -1 के बराबर या -1 से छोटा होता है, क्योंकि साइन और कॉस, सेक और कोसेक, साइन कॉस का जो व्युत्क्रम होता है वो कोसेक और सेक होता है, और क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में है तो ये बस -1 से 1 के बीच में छोड़कर बाकी सारे वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, तो ये इसका रेंज हो गया। तो आप सबसे पहले क्या नोट डाउन करेंगे, इनका रेंज को हम नोट डाउन करेंगे कि कहां से कहां तक ये वैल्यूज लाए करते हैं। फिर कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, यानी कि थ्योरम्स हैं, उसके तहत हम सारे मैक्सिमम मिनिमा के रूल्स यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आप नोट डाउन करिए कि साइन थीटा जो होता है, ठीक है, less than equal to -1 होता है। सेम चीज विद कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, less than equal to 1 और less than equal to -1 होता है। टैन थीटा की बात करूं तो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक सारे वैल्यूज ये लेता है। कॉट थीटा की मैं बात करूं तो ये भी प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक सारे वैल्यू ये लेता है। हालांकि कोसेक थीटा और कॉट सेक थीटा जो है, इसकी भी मैं अगर बात करूं तो इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी के बीच में तो होता है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है इन दोनों में, ठीक, यहां पर एक कंडीशन है इन दोनों में कि ये -1 से 1 के बीच नहीं होते, ठीक है, 1 के बीच नहीं होते। कहने का मतलब क्या कि यहां पर अगर कोसेक थीटा की मैं बात करूं तो कोसेक थीटा जो है ये आपका माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट तो होगा लेकिन -1 तक चलेगा, और 1 से फिर स्टार्ट होगा और 1 से स्टार्ट होते हुए प्लस इंफिनिटी तक चलेगा। सेम चीज सेक थीटा के साथ होगा कि सेक थीटा जो है वो आपका -1 से -1 तक चलेगा और साथ में 1 से फिर स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक चलेगा। तो इसको अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं। एक नंबर लाइन की मैं बात करूं तो नंबर लाइन जो है यहां पर प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक चलता है, करेक्ट, बीच में 0 आता है,
यहां पे 1 आता है, यहां पे 2 आता है, और इस तरीके से 3, इस तरीके से चलता रहता है। इस लेफ्ट साइड आओगे तो -1 -2, इस तरीके से चलता रहता है। तो यहां पर कुछ वैल्यूज को छोड़ के, मतलब कि ये जो वैल्यू है इस रेंज को छोड़ के, इस रेंज को छोड़ के बाकी पूरे जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे वैल्यूज sec थीटा और cosec थीटा ले सकते हैं। लेकिन वही sin थीटा और cos थीटा की बात करूं तो sin थीटा और cos थीटा जो है ये आपका -1 से 1 के बीच में रहते हैं, ये भी आपका -1 से 1 के बीच में होता है। यानी कि अगर मैं नंबर लाइन इस तरीके से बनाऊं तो 1 यहां, 0 यहां पे आता है, +1 यहां पे, 2 यहां पे, इस तरीके से चलता रहता है प्लस इंफिनिटी तक। और इसकी अगर मैं बात करूं तो -1 -2, इस तरीके से जाता रहता है माइनस इंफिनिटी तक। ठीक, तो इसकी यदि हम बात करें तो ये जो वैल्यू है इसके बीच में आता है, यानी इस रेंज में आता है, इस रेंज में आता है, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो इस रेंज को मैं रेड कलर में कर लेता हूं, मतलब यहां से इसके आगे नहीं जाएगा और यहां से इससे पीछे नहीं जाएगा, केवल -1 से 1 के बीच में होता है। और क्योंकि आप जानते हैं sec थीटा cosec थीटा जो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम होने का मतलब cosec थीटा जो है ये 1/sin थीटा होता है, और sec थीटा जो है ये 1/cos थीटा होता है। तो सिंपल सी बात अगर हम करें, क्योंकि आप इसको -1 से 1 के बीच में लिख रहे हैं तो और ऊपर 1 है, तो 1 से छोटे वैल्यू को जब आप डिवाइड कर रहे हो तो ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक, क्योंकि आप देखिए ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटा है, और जब आप 1 से छोटे वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू तो 1 से बड़ा आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि sin थीटा cos थीटा जो है वो 1 -1 के बीच में होता है, लेकिन cosec थीटा sec थीटा -1 से बड़ा छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, लेकिन 1 और -1 के बीच में कोई वैल्यूज नहीं ले सकते। ठीक, चलिए अब हम आते हैं कुछ रूल्स, सिंपल से रूल्स आपसे मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूं कोई भी नंबर का x, इसके घात में अगर मैं ऑड नंबर डालूं तो ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई नंबर मैं ले लूं x जो कि रियल नंबर है, इसके घात में मैं डाल दूं इवन नंबर, तो ये केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा। ऑड का मतलब विषम संख्या, इवन का मतलब सम संख्या। x क्या है? एक रियल नंबर है। x क्या है? एक रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या है। और किसी भी रियल नंबर के घात में विषम संख्या लिखने से प्लस माइनस दोनों वैल्यू आ सकता है, और किसी भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के घात में जब सम संख्या हम डालते हैं तो यहां पर केवल और केवल प्लस संख्या ही आ सकती है। तो आपको एक चीज यहां से समझना होगा कि x के घात में जो ऑड संख्या है ये यहां पे प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक चलता है, लेकिन x के घात जो इवन संख्या है, इवन नंबर जो होता है, ठीक है, इवन नंबर जो होते हैं ये हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, जीरो या जीरो से बराबर या उससे बड़ा होगा, और यहां पर इंफिनिटी तक ये चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इसको हम यहां से कुछ चीजों को आप नोट डाउन करना चालू करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है के क्यूब, ठीक है, +3। के क्यूब जो है, के क्यूब एक कॉन्स्टेंट है, तो के क्यूब जो है यह प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक चलेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर के स्क्वायर कर दूं तो के स्क्वायर जो है जीरो से बढ़ेगा और यहां पर प्लस इंफिनिटी तक चलेगा। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं यहां पर कुछ वैल्यू को प्लस माइनस करूं, जैसे कि मैं यहां पर करूं के क्यूब -3 अगर मैं करूं तो यहां पर ये जो वैल्यू है प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी के बीच में चलेगा। लेकिन अगर मैं के स्क्वायर -3 करूं तो ये वैल्यू जो है ये आपके, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू जीरो था तो अब इसका मिनिमम वैल्यू जो है -3 हो जाएगा और ये वैल्यू प्लस इंफिनिटी तक चलेगा, प्लस इंफिनिटी तक इसका मैक्सिमम वैल्यू चलेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि के स्क्वायर में हम -3 कर रहे हैं और इसका वैल्यू तो जीरो होता है, तो जीरो का मतलब मिनिमम वैल्यू होता है, तो इसका मतलब अब इसका मिनिमम वैल्यू -3 हो जाएगा। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे? ठीक, तो इसी के तहत कुछ चीजों को आप नोट डाउन करना चालू करेंगे। जैसे कि साइन थीटा की बात मैंने की, तो साइन थीटा जो था वो साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमने जो देखा था ये -1 से 1 के बीच में था, ये भी -1 से 1 के बीच में था कॉस थीटा। टैन थीटा की बात करूं तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कॉट थीटा जो था माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। कोसेक की मैं बात करूं तो, और सेक की बात करूं तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो थे, लेकिन ये -1 से 1 के बीच में नहीं होते हैं, नॉट बिटवीन -1 एंड 1, बाकी सारे वैल्यूज ये लेते हैं। लेकिन अगर मैं इनके घात में स्क्वायर चढ़ा दूं तो फिर कुछ वैल्यूज जो है वो चेंज होना चालू हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे साइन के घात स्क्वायर थीटा करूं
तो ये 1 से तो छोटा होगा लेकिन ये 0 से बड़ा रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूं तो ये भी 0 से बड़ा रहेगा लेकिन 1 से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पर टेन थीटा की बात करूं, टेन स्क्वायर थीटा की, तो अब ये 0 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा और इंफिनिटी से छोटा होगा। कॉट स्क्वायर थीटा की बात करूं तो कॉट स्क्वायर थीटा भी आपके इंफिनिटी से तो छोटा होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर 0 से बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। सेक स्क्वायर थीटा की बात करूं तो ये इंफिनिटी से छोटा होगा और इसका मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू 1 होता है, तो 1 या उससे बड़ा होगा, ठीक। और कोसेक स्क्वायर थीटा की बात करूं तो यहां से इंफिनिटी से स्टार्ट होते हुए, यानी कि इंफिनिटी से छोटा होगा लेकिन 1 से बड़ा हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद कुछ और कंफ्यूजिंग चीजें जो हमको यहां पर समझना है कि आप कैसे यहां पर अगर एंगल डबल हो गया या ट्रिपल हो गया तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोसेक, ठीक है, 2 थीटा की अगर मैं बात करूं, चलिए साइन की बात कर लेते हैं पहले, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की यदि मैं, अब बताइए कि इसका रेंज क्या होगा। देखिए मैं थीटा लिखूं या 2 थीटा लिखूं, ये तो एंगल है, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइन 2 थीटा भी एक एंगल ही तो है। मैं यहां पर साइन अल्फा लिख लूं तो अल्फा बराबर 2 थीटा हो गया, ये भी तो एक एंगल ही है, और आप जानते हैं साइन अल्फा 1 से माइनस 1 के बीच में रहता है। तो अगर मैं एंगल को डबल करूं ट्रिपल करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज जो है वो रेंज है, रेंज रेंज जैसा काम करेगा। बस ध्यान ये देना है कि अगर मैंने इसके घात में कोई पावर में इवन नंबर लगा दिया तभी कुछ चेंज आएगी, अदरवाइज जो रेंज हमने सीख के रखा है वही रेंज में ये चीजें फॉलो होंगी। ठीक, यहां तक समझ में आ रही बातें? ठीक, चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं आपसे साइन या कॉस स्क्वायर, ठीक है, 3 थीटा का वैल्यू बताइए। अब ये जो वैल्यू, क्योंकि यहां स्क्वायर लग गया तो 1 से तो छोटा रहना ही पड़ता है इसको, लेकिन यहां 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं साइन क्यूब, ठीक है, 2 थीटा की बात करूं, तो क्योंकि यहां पर आपने विषम नंबर लगा के रखा है तो ये माइनस 1 से 1 के बीच में इसका रेंज रहेगा। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ रही है? अब अगर मैं इसमें कुछ चीजें प्लस कर लूं या माइनस कर लूं, जैसे कि मैं यहां पर 3 प्लस साइन थीटा की बात करूं, अब बताइए कि किससे बड़ा और किससे छोटा होगा। देखिए साइन थीटा तो अपने आप में प्लस 1 से माइनस 1 के बीच में होता है, तो अगर ये केवल साइन थीटा होता तो अपर लिमिट प्लस 1 आना था, लेकिन आप 3 अपने आप से जोड़ रहे हो तो यहां पर अब ये 4 से छोटा रहेगा, और क्योंकि इसका लोअर लिमिट माइनस 1 होता है तो माइनस 1 प्लस 3 करोगे तो यहां 2 आ जाएगा, तो ये 2 से 4 के बीच में हो जाएगा इसका रेंज, क्योंकि आपने यहां पर 3 जोड़ दिया। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ रही है? चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उन स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप नोट्स बना के रखेंगे, फिर इकट्ठा में सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लूंगा सारे पैटर्न के। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लिखेंगे टाइप 1। ठीक है, टाइप 1, टाइप 1 में यदि आपसे इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन पूछे, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछे और मिनिमम वैल्यू कोई पूछे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी, और इसका मिनिमम वैल्यू हो जाता है ऑफ ए कॉमा बी। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है? ए कॉमा बी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है? तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने कहा 3 और माइनस 7 में जो ज्यादा बड़ा है मैक्सिमम वैल्यू यानी 3 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 3 और माइनस 7 में जो है वो सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा यानी माइनस 7। ये मिनिमम वैल्यू हो गया, न्यूनतम मान, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब कुछ लोग के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये कैसे हुआ? तो सिंपल है, आप इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए। जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और माइनस यहां पर 7 कॉस स्क्वायर थीटा पहले से बैठा हुआ है, तो 3 यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 और ये 7 जुड़ जाएगा तो 10 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में हम ये जानते हैं कि 0 से तो बड़ा ही होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। अब क्योंकि आपने यहां 10 गुना कर दिया, इसका 10 गुना करने का मतलब यहां पर भी 10 गुना हो जाएगा, मतलब 10 कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1, मतलब इसका जो रेंज है वो 0 से 10 के बीच में है, 0 से 10 के बीच में इसका रेंज है 10 कॉस स्क्वायर थीटा का। और 10 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है ये अगर 10 से 0 के बीच में आता है तो अगर मैं इसके लिए 0 डाल दूं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये तो 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको 0 डालें तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 10 बनेगा।
तीन बनेगा, और अगर मैं इसकी जगह पे 10 डाल दूं तो 3 माइनस 10 करने पर यहां पर मैक्सिमम वैल्यू जो है माइनस का 7 बन जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू है माइनस 7 से 3 के बीच में रहता है। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया टाइप 1। अब आते हैं हम टाइप 2 में, टाइप 2 में चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। सपोज करिए कि आपको दिया हुआ है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू हो जाता है माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप नोट करके रखेंगे, चाहे तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं बट उसकी आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर कैसे प्रूफ करना है वो मैं बता देता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसके डिवाइड भी कर लेना मल्टीप्लाई भी कर लेना, और ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो अगर साइन थीटा होगा या साइन अल्फा होगा तो बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है कॉस अल्फा हो जाएगा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा के फॉर्म में। अब आप खुद बताइए कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा जो है कॉस थीटा प्लस अल्फा के फॉर्मेट में है, तो वहां से उसका रेंज तो माइनस वन से वन होगा। एक्स्ट्रा यहां पर जो वैल्यू बचता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है, और यहां पर कॉस के टर्म्स से या साइन के टर्म्स में कुछ वैल्यू बचेगा। ये पूरा का पूरा अगर आप देखें इस वैल्यू को, क्योंकि ये अपने आप में साइन थीटा ही है एक वैल्यू, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा माइनस वन से वन के बीच में जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस वन होने पर इसका माइनस वन, प्लस वन होने पर इसका प्लस वन, ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम इसको समझते हैं। यहां से इसका मैक्सिमम वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन में अंडर रूट, ठीक है, तो ये दोनों इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बनते हैं। टाइप थ्री में आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, तो टाइप थ्री में आते हैं। टाइप थ्री में देखिए क्या आएगा, टाइप थ्री में कोई भी इस तरीके के वैल्यूज दिखाई दे जो कि व्युत्क्रम हो, जैसे कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा इसके साथ, या यदि ऐसा पूछे ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, या पूछे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इन सभी का मिनिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं टैन थीटा जो है वो प्लस इंफिनिटी तक जाता है, और सेक थीटा भी प्लस इंफिनिटी तक जाता है, कोसेक थीटा भी प्लस इंफिनिटी तक जाता है, लेकिन टैन और कॉट व्युत्क्रम है, सेक कोसेक व्युत्क्रम है, साइन कोसेक भी एक तरीके से व्युत्क्रम है, तो इस तरीके के एक्सप्रेशन में इन सभी का मिनिमम वैल्यू होता है, इन सभी का मिनिमम वैल्यू होता है, तो आप मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो इनफाइनाइट होगा। कैसे आया, तो भाई एक चीज हमने सीखा था, अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये बात आपको याद होगी। तो अगर हम इन सभी चीजों का अर्थमेटिक मीन निकालें, जैसे कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, इसका यदि मैं अर्थमेटिक मीन निकालूं तो इसको डिवाइड बाय टू करना पड़ता है, ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टेन स्क्वायर थीटा इंटू बी कॉट स्क्वायर थीटा, यही होगा इसका ज्योमेट्रिक मीन, और टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू बच रहा है, अल्टीमेटली स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब अगर मैं इस टू को उठा के दूसरे तरफ भेजूं तो यही मिलेगा कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन टू ए बी, टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन जो नंबर सिस्टम में हमने सीखा था उसका रिजल्ट यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, चलिए इसी के तहत अब आते हैं हम चौथे फॉर्मूले पे, यानी चौथे टाइप ऑफ क्वेश्चन में, टाइप फोर आप लिखेंगे। टाइप फोर में अगर आपको दिया है ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इस रिजल्ट को आप नोट डाउन करके रखेंगे। और एक आखिरी रिजल्ट और, टाइप फाइव, ठीक है, साइन के घात एन थीटा इंटू कॉस के घात एन थीटा। ठीक, इसके बारे में यदि हम डिस्कशन करें तो इसके भी दो रिजल्ट होते हैं, पहले तो एन इवन है तो अलग रिजल्ट आएगा, एन ऑड है तो अलग रिजल्ट आएगा। कैसे समझ लेते हैं, पहले मैं आपको बता दूं यहां पर एन इवन है या एन ऑड है, और यहां पर जब एन इवन है यानी विषम और सम, विषम होने पर इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो हो जाता है माइनस वन बाय टू के घात में एन। ठीक, और मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाता है ये हो जाता है वन बाय टू के घात में एन।
सिमिलरली यहां पर जब ये n इवन हो गया तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो तो जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव ऋणात्मक वैल्यू नहीं हो सकता, बराबर। और मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो सेम रहेगा, जो कि है 1/2 के पावर n। ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मैं यहां 2 के घात n और 2 के घात n से डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई करूं, तो ये भी n, ये भी n, ये भी n, तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 sin theta cos theta whole power n लिख सकता हूं, और नीचे यहां पर 2 के पावर n लिख सकते हैं। 2 sin theta cos theta जो होता है sin 2 theta होता है, इसके घात में n है और यहां पर 2 के पावर n है, बराबर। अब साइन 2 थीटा तो -1 से 1 के बीच में होता है, बाकी चीजें डिटरमाइन ये करेंगी जब n इवन है तो 0 से 1 के बीच में होगा, और n यदि ऑड है तो यहां पर -1 से 1 के बीच में होगा साइन 2 थीटा के पावर n, क्योंकि ऐसा है। और बाकी 2 के पावर n बचा है तो उसमें -1 और +1 मल्टीप्लाई करने पर मिनिमम वैल्यू -1/2 के पावर n आएगा जब n ऑड हो। मैक्सिमम वैल्यू दोनों में सेम रहेगा 1/2 के पावर n, क्योंकि चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा का 1 ही होता है। लेकिन अगर n इवन हो गया तो मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो जाता है, इसलिए यहां पर मिनिमम वैल्यू 0 होगा। क्लियर टाइप 5। चलिए, ये कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जिसके ऊपर बार बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल ऐसा पूछा था कि cos थीटा का रेंज क्या है, ठीक है, ये आपके CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। cos थीटा का रेंज -1 से 1 होगा, यानी जहां जहां पर इसके वैल्यूज चलते हैं उसी को ही हम रेंज कहते हैं। तो cos थीटा का रेंज -1 से 1 है, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने लिखा हूं, आप इसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं, कुछ क्वेश्चंस को आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने होंगे। जैसे देखिए 5 × 2 cos theta, इसका आपको अधिकतम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों निकालने हैं। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये -2 से +2 के बीच में जाएगा, क्योंकि cos थीटा जो है ये अपने आप में -1 से +1 के बीच में चलता है, और क्योंकि +5 जुड़ा हुआ है तो यहां भी +5 यहां भी +5, तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो यहां पर 3 से 7 के बीच में रहेगा, यानी इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगा, बराबर। सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर साइन थीटा मल्टीप्लाइड है -13 में और 21 है, मतलब 21 21। साइन थीटा जो है -1 से +1 के बीच में रहता है, तो जब साइन थीटा +1 होगा तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा -13 करने पर, और जब ये -1 हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि -(-+) होता है तो +13 ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। 21 - 13 करने पर 8 मिनिमम वैल्यू, 21 + 13 करने पर यहां पर जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 34। तो ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो गया बी वाले का सवाल का, ठीक, यहां तक क्लियर। चलिए तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे वाले की बात करते हैं। यहां पर थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, यहां cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा हो चाहे cos 1 थीटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, cos थीटा एक एंगल है, cos 2 थीटा 2 थीटा भी एक एंगल है, तो ये -1 से +1 के बीच में रहेगा। तो 11 - 5 यानी 6 इसका मिनिमम वैल्यू, 11 + 5 यानी कि 16 इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया सी का उत्तर, क्लियर। चलिए अब मैं इन दोनों को छोड़ता हूं, डी और ई को, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा डी और ई का, ठीक है, इसको आपको यहां पर उत्तर देना है कमेंट में, मैं देखूंगा कितने लोगों ने इसका उत्तर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सभी का न्यूनतम मान आपको निकालना है, ठीक है। तो न्यूनतम मान के लिए सपोज करिए कि मैं इसकी बात करूं, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो वैल्यू है मैक्सिमम मिनिमम, तो यहां पर 25 है, यहां पर 49 है, तो 25 और 49 बताइए क्या करें, एक cos स्क्वायर है दूसरा sec स्क्वायर है, तो ये 2√25 × 49 ये इसका मिनिमम वैल्यू होता है, ये हमने डिस्कस किया, तो 2 × 5 × 7 मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 70 हो जाएगा, ठीक। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है इसकी यदि हम बात करें तो 48 × 3 cot² θ है। अब मैंने आपको कोई ऐसा रिजल्ट तो सिखाया ही नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा एक साथ आ गया तब क्या करें, तो सोचिए कि हम कैसे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे इसको लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ये 48 है तो 48 तो ठीक था, 48 साइन स्क्वायर थीटा, मैं ये बात जानता हूं कि कॉट स्क्वायर थीटा को हम कोसेक स्क्वायर थीटा में जरूर ला सकते हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा -cot² θ 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा जा सकता है, करेक्ट। तो अगर 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 48 × sin² θ + 3 × cosec² θ
माइनस का 3 बन गया। अब देखिए ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 48 इंटू 3 होगा, और 48 इंटू 3 का मतलब होता है 16 इंटू 3, क्योंकि 48 है और मल्टीप्लाइड बाय 3, ये माइनस 3, ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा। अगर इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 4 इंटू 3 होता है ये, माइनस का 3, मतलब ये हो जाएगा भाई 12 इंटू 2 24, माइनस का 3 करोगे तो 21 आ जाएगा, और इसी का मिनिमम वैल्यू 21 निकल के आ जाएगा यहां पर। क्लियर, यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई। चलिए अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे, इस दोनों सवालों को ए और बी वाले को आप एक्सप्लेन करना कमेंट सेक्शन में कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इसको मैं आपके लिए छोड़ के रखता हूं। ठीक है, चलिए आशा करता हूं यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहां से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। यहां पर देखिए बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस यहां पर एक साथ दिया हुआ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है, आप किसी एक स्टैंडर्ड पैटर्न में जो हम जानते हैं वहां तक इसको लाना होगा। जैसे कि सपोज करिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए इसका वैल्यू 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा भी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा भी है, तो sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? ये cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस आप देखोगे तो यहां tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा पहले से बैठे हुए हैं यहां पे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इसको अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 + 1 + 1 हो गया 3, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा दो बार है तो 2 tan स्क्वायर थीटा होगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा दो बार है तो 2 cot स्क्वायर थीटा होगा, अगर मैं 2 को कॉमन निकालूं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बराबर, इसका मिनिमम वैल्यू आप लोग जानते हैं क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा इनटू cot थीटा का होल स्क्वायर रहेगा, जो कि 1 होता है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो इसका न्यूनतम मान 2 है, इसका न्यूनतम मान 2 है, तो टोटल वैल्यू का 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये इसका न्यूनतम मान हो जाएगा, जो कि कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 इस सवाल का सही उत्तर, डी। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस सवाल को बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 1024 है, 1024 की अगर मैं बात करूं तो 2 के घात 10 होता है, 2 के घात 10 होता है। अब क्योंकि यहां साइन 11 थीटा इंटू साइन कॉस 11 थीटा है, तो साइन 11 थीटा इंटू कॉस 11 थीटा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 power 11, क्योंकि 11 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहां पर ग्रेटेस्ट वैल्यू तो यही रहता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू -1/2 power 11 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहां पर 2 के घात 10 भी मल्टीप्लाइड है, तो 2 के घात 10 को यहां भी मल्टीप्लाई करना होगा और 2 के घात 10 को यहां भी मल्टीप्लाई, मतलब ओवरऑल यहां पर 2 के घात 10 जो है इस 11 को काटेगा, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू -1 होगा और ये 2 के घात 10 इस 11 को काट देगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 होगा, तो -1/2 से +1/2 इसका वैल्यू। अब इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैं देखूंगा, चेक करूंगा। चलिए अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy, तो आपको बताना है इन सभी में से क्या सत्य है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एसएससी का। ठीक है, इसको बताइए कि इन चारों में से अब क्या सही होना चाहिए। देखिए अब इस तरीके के प्रश्न में आपको यूज करना होगा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक है, सबसे पहली बात हम ये बात जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये हम जानते हैं। दूसरे वाले साइड की मैं बात करूं, यहां पर एक्स और वाई दो वेरिएबल हमें दिया हुआ है, तो आप ये जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन यानी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है एक्स वाई के बराबर। यदि मैं इसको स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, इसको भी स्क्वायर कर दूं, तो आप देखेंगे कि यही वैल्यू आ रहा है, जो कि हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और यहां पर आ जाएगा एक्स वाई। इस एक्स वाई को मैं अगर दूसरे तरफ ले आऊं तो यहां पर 1 बन जाएगा और यह बन जाएगा 4xy बराबर। यह ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब कि यह जो एक्सप्रेशन है जो राइट हैंड साइड दाहिने तरफ है इक्वल टू के दाहिने तरफ है, यह ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और यह बाएं तरफ है यह लेस देन इक्वल टू 1 है। क्या यह संभव हो सकता है
कि एक तरफ आप कह रहे हैं ये तो इक्वेशन है, ये एक समीकरण है, बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, एक तरफ का जो वैल्यू है वो एक से छोटा है, दूसरे तरफ का वैल्यू एक के बराबर या उससे बड़ा, तो इस तरीके के एक्सप्रेशन का एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि दोनों के दोनों एक के बराबर हो। यदि दोनों के दोनों एक के बराबर हो तो ये भी एक के बराबर, ये भी एक के बराबर होना चाहिए। मतलब आपको सिंपल यही लिखना है यहां पर कि एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 4xy एक के बराबर है, मतलब ये इक्वल टू 4xy हो जाएगा क्योंकि ये एक के बराबर होगा। इसको आप अच्छे से जानते हैं सॉल्व करना, क्योंकि आप इस 4xy को दूसरी तरफ लाएंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, और अगर ये इक्वल टू जीरो है तो एकमात्र सॉल्यूशन यही बनेगा कि x इज इक्वल टू y कर दिया जाए, दूसरा कोई सॉल्यूशन इसमें संभव ही नहीं है। तो केवल एकमात्र सॉल्यूशन यही संभव है कि x जो है वो बराबर हो जाए y के। ठीक, चलिए अब हम यहां से डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, यहां पर आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह जो होते हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस से कंप्लीट होता है। जैसे यहां पर एंगल देखा, यहां पर एक लाइट हाउस है, इसको कंस्ट्रक्शन करना है, यहां पर देखा जा रहा है कि कितनी दूरी पर ये कोई चीज है, तो यहां एंगल जो है इसके रिलेशन से यहां पर चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं आपके ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ही है। तो हम यहां पर पहले सीख लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, यानी ऊंचाई एवं दूरी के जितने भी टर्मिनोलॉजीज है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज करके किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं ये भी हम देखेंगे। किसी किसी शिफ्ट में हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी आते। तो चलिए समझते हैं यहां पर हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप यहां पर एक इमेज देख रहे हैं, इस इमेज के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के टर्मिनोलॉजीज क्या है। देखिए, यहां पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग के ऊपर छत पे जाकर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर एक छत व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति जो है कुछ चीजों को यहां पर सीधा सीधा देख सकता है, तो जो सीधा सीधा देखेगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी क्षैतिज रेखा है, सीधी सीधी लाइन है, मतलब ये व्यक्ति जो है सीधा देख रहा है। लेकिन अगर कोई कार है जो कि यहां पर नीचे से किसी रोड पर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको नीचे की ओर देखना होगा ऐसे, जब वो उस कार को देखे, बराबर। लेकिन अगर कोई यहां पर एरोप्लेन उड़ता हुआ ऊपर आपको आसमान में दिखे, तो अब इसे ऊपर की ओर देखना होगा, यहां से इस डायरेक्शन में। तो इस जो इसकी नजर जिस दिशा में जा रही है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। यहां पर भी लाइन ऑफ साइट है। अब बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा से अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं तो बीच में जो कोण बनता है इस कोण को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उनियन कोण। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उनियन कोण। और वहीं इस हॉरिजॉन्टल लाइन से यदि आप नीचे की ओर देख रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी कि यहां पर इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। बात समझ में आ गई? तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से यदि आप ऊपर की ओर देखें तो यही होता है आपका उनियन कोण। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर, जैसे कार वगैरह चल रहा है तो नीचे देखेंगे, यहां पर बिल्डिंग के ऊपर से अगर आप खड़े हैं तो, और वहीं आप बिल्डिंग के ऊपर से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो यहां पर ये जो ऊपर की ओर देखने वाला जो एंगल बनता है इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, इसी को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब इन्हीं चीजों के ऊपर टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा लगाकर जो है सारा हमारा रिजल्ट बनता है। ठीक, तो चलिए समझते हैं यहां पर। अब इस चीज में आपको एक चीज और जो समझना होगा वो ये है कि यहां से अगर आप हॉरिजॉन्टल से इस तरीके से देख रहे हैं तो इस हॉरिजॉन्टल से यहां तक की जो दूरी होगी इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, यही आपका हाइट होता है, यानी ऊंचाई होता है। और जहां से ये स्टार्ट हुआ देखना, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हो जाता है डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? नीचे की ओर देखेंगे तो यहां से अब ये हाइट बन जाएगा, ये वाला आपका हाइट बन जाएगा, क्योंकि आप जितने नीचे देख रहे हैं वो हाइट होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है यही आपका दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक, इस डिस्टेंस को, यानी ये वाला जो ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाला जो डिस्टेंस है, इस लाइन ऑफ साइट को एल से हम डिनोट कर सकते हैं, और आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ये सारी चीजें कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो अब इन्हीं बातों के साथ मैं यहां पर कुछ चीजें यहां पर नोट डाउन करवा लेता हूं आपको, इसको आप बढ़िया से लिखिए। ठीक है, और इसका हम नोट्स बनाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, देखिए इसका मतलब यह है, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि अगर यहां पर ये डिस्टेंस h दिया हुआ है, ये हाइट h है और ये वाला डिस्टेंस d है,
अगर कोई व्यक्ति यहां नीचे खड़ा होकर यहां ऊपर की ओर देख रहा है तो यहां वाला जो एंगल बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। आने वाले क्लासेस में हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वहां आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, क्योंकि देखिए यहां अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, चलिए यहां से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है इस तरीके से, ठीक, तो ये उसकी एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट होगी, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है ऊपर और यहां से नीचे की ओर देख रहा है इस तरीके से, ठीक, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला एंगल हो जाएगा। और क्योंकि ये वाला जो है लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच में ये ट्रांसवर्सल का काम करता है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, मतलब कि बराबर ऊंचाई और दूरी के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों के दोनों सेम होते हैं। इस बात का आप नोट करिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल हाइट और इक्वल डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में, मतलब कि सेम हाइट और सेम डिस्टेंस के लिए आप एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए इस बात का आप नोट बना लेना। अब मैं आता हूं वापस इसके थ्योरी पार्ट को जो हम डिस्कस कर रहे थे। यहां से आप तीन चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, तीन चीजें आप यहां से लिख सकते हैं। इसको मैं एल बना लेता हूं, ठीक, तीन चीजें आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो टैन थीटा जो कि होता है एच डिवाइडेड बाय डी, बराबर, साइन थीटा जो कि हो जाएगा एच डिवाइडेड बाय एल, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय। यहां से आप सबसे पहले तो इसको cot थीटा यदि हम लिखे तो cot थीटा हो जाएगा d डिवाइडेड बाय h और cosec थीटा हो जाएगा l डिवाइडेड बाय h और sec थीटा हो जाएगा l डिवाइडेड बाय d। ये सारी चीजें हमने ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्लास में सीखा हुआ है कि ये सारे क्या हैं, तो रेशियोज हैं, बराबर। तो इसी से कुछ रिजल्ट आप नोट डाउन करके रखेंगे, डायरेक्टली हम इन चीजों को यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपको h निकालना है तो h होता है भाई d tan थीटा, h क्या होता है, ये जो हाइट है ये कुछ और नहीं है, d tan थीटा है h। अगर आपको यहां से d निकालना है तो d क्या है, h cot थीटा। फटाफट इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हाइट दिया है, थीटा दिया है, तुरंत डिस्टेंस आ जाना चाहिए, डिस्टेंस दिया है, थीटा दिया है, तुरंत हाइट आ जाना चाहिए। इस फॉर्मूले के तहत कि हाइट बराबर डिस्टेंस tan थीटा होता है, डिस्टेंस बराबर h cot थीटा होता है, इसको आप याद करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आपको डिस्टेंस जो है एल के टर्म्स पे यदि निकालना है तो यहां से आप इसको भी याद रखेंगे कि हाइट बराबर जो होता है ये होता है एल साइन थीटा और जो डिस्टेंस ही तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं इसको, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों फॉर्मूले से, ठीक। साथ ही साथ अगर आपको एल निकालना है तो आप इसको एच कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या यहां से आपको L निकालना है तो आप d sec थीटा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इन रिजल्ट्स को आप नोट डाउन करके रखेंगे, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स होते हैं, उन ट्रायंगल का डायग्राम आप नोट करके रखेंगे, कभी कभी हम रेशियो का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल जो बनता है वो बनता है 60 डिग्री, 30 डिग्री का और 90 डिग्री का। इस तरीके के ट्रायंगल में यहां पर अगर मैं इसको ए बी सी ट्रायंगल बनाऊं तो ए के पीछे वाला एंगल 1 है तो सी के पीछे वाला एंगल यहां पर रूट 3 होगा और बी के पीछे वाला एंगल यहां पर 2 हो जाएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि साइन साइन 60 डिग्री क्या होता है, रूट 3 बाय 2 होता है, तो मैंने यहां रूट 3 दिया, यहां 2 दिया। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री हो जाता है 1 बाय 2, तो मैंने 1 दिया और 2 दिया। साथ में टेंथ 60 डिग्री रूट 3 बाय 2 होता है। तो इस ट्रायंगल को एकदम याद करके रखिए कि अगर 60 डिग्री ट्रायंगल है तो 1 रूट 3 यानी 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है वो 1 होगा, 60 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है वो रूट 3 होगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है ये 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है 45 45 90 डिग्री का, तो इसको भी आप नोट करके रखेंगे। कभी भी आपको 45 डिग्री और 90 डिग्री ये वाला ट्रायंगल मिल गया तो 45 डिग्री आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ये। इस तरीके के ट्रायंगल में 1 1 रूट 2 ये इसका रेशियो होता है। इसको आप बढ़िया से नोट करके रखेंगे कि 45 डिग्री का मतलब हाइट बराबर डिस्टेंस, जितना हाइट है उतना ही डिस्टेंस है और इसका जो लाइन ऑफ साइट का जो टोटल लेंथ है एल ये हो जाएगा रूट 2 इस केस में। दोनों ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसको मैं उलट दूं ट्रायंगल को तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां पे 30 डिग्री
यहां पर 60 डिग्री, तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने आपको कहा है यहां पर 60-30 डिग्री, अगर 60 डिग्री नीचे या 30 डिग्री नीचे तो ऐसा, लेकिन अगर यहां पर ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें यहां पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला 1 बनेगा, 60 डिग्री के ऑपोजिट वाला रूट 3 बनेगा, और एंगल बी जो एंगल बी के पीछे वाला ये वाला साइड है ये बनेगा 2 का। यहां तक क्लियर है, आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। 30-60 डिग्री वाले और 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो कैसा होता है, 45-45-90 डिग्री वाले ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो कैसे होता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई होगी बातें। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट के जरिए जो आपने सीखा अभी, यहां से कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस सवाल में देखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर ऑफ इस फुट इज 30 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर जो है इसके आधार से 150 मीटर दूर स्थित दूरी से शीर्ष जो है उसका उनियन कोण आपको दिया हुआ है 30 डिग्री देखा गया है, तो टावर की ऊंचाई क्या है। तो देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, यहां पर एक टावर है, इस टावर के फुट से यानी कि इस टावर के फुट से जो दूरी है वो 150 मीटर की, ठीक, और आपको बोला गया है इसका यहां पर अगर ये 30 डिग्री है, ये एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, तो आपको यहां एच निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 30 डिग्री के पीछे वाला साइड अगर 1 हुआ तो ये 60 डिग्री के पीछे वाला साइड रूट 3 होता है, मतलब रूट 3 यूनिट, रूट 3 यूनिट बराबर 150 मीटर, क्योंकि यही तो डिस्टेंस है ना आपका, तो हाइट बराबर क्या होगा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय रूट 3, ठीक है, जो कि यहां से इसको काटोगे तो बराबर इसका कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 50 रूट 3। अगर आप फॉर्मूला याद रखना पसंद करते हैं तो आप इस अप्रोच को फॉलो ना करके इस फॉर्मूले को लगा लेना कि h बराबर होता है d tan थीटा, तो tan 30 डिग्री आएगा, मतलब 150 दूरी है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाय रूट 3 आप जानते हैं, रूट 3 से इसको काटोगे तो यहां पर 50 रूट 3 आ जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, चलिए आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, पहला सवाल आसान सा सवाल। तो दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, आप चाहे तो रेशियो वाले अप्रोच फॉर्मूला पसंद नहीं करते और अगर आप रेशियो से सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व करिए, फॉर्मूला भी अपने आप में बहुत अच्छा है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अ ट्री एसी इज ब्रोकन फ्रॉम अ पॉइंट बी बिकॉज ऑफ द विंड इफ द एंगल ऑफ द साइड बी डी फ्रॉम द अर्थ इज 45 डिग्री वेयर डी इज द पॉइंट टच्ड बाय द ग्राउंड इफ ए डी इज इक्वल टू 10 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। एक पेड़ एसी के कारण बिंदु बी से टूट जाती है, यदि बीडी जमीन के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, डी जमीन पर स्थित है, एडी बराबर आपको दिया हुआ है 10 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। एक पेड़ था ए और सी, ये किसी एक बिंदु से यहां से टूट गया जो कि पॉइंट था आपका बी, ठीक है, और टूटने के बाद यहां पर सिंपल सी बात है ना, अगर ये टूटेगा तो घूम के यहां से ये वाला पॉइंट नीचे घूम जाएगा, इसके पॉइंट तो इसके पॉइंट पे घूमकर ऐसा आ गया, तो ये बीडी बन गया। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो बीडी लेंथ है और ये जो बीसी लेंथ है ये दोनों इक्वल होंगे, करेक्ट, दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब आपको जब पेड़ की लंबाई निकालनी है तो पेड़ की लंबाई जो है ये हो जाएगी एबी प्लस बीडी हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो पेड़ की लंबाई थी वो थी एसी, ए से लेकर सी तक, और एबी और ये जो बीसी है टूट गया, बीसी टूट के यहां आ गया, तो बीडी और बीसी बराबर होंगे, करेक्ट। साथ में यहां से आप समझिए इसको कि यहां पर एडी की लंबाई जो है 10 मीटर दी हुई है और साथ में यह भी दिया है कि यहां 45 डिग्री का कोण बना रहा है, जैसे ही 45 डिग्री का कोण दिखा तो आप जानते हैं यह एंगल 90 डिग्री होता है, और दूसरा अगर ये 45 है ये 90 है तो ये 90 माइनस 45 यानी ये भी 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री 90 डिग्री के बारे में हमने ये सीखा है कि 1:1:√2 के रेशियो में रहता है, मतलब ये 10 है तो AB का वैल्यू भी 10 होगा और ये 1:1:√2 के रेशियो में होता है, मतलब ये 10√2 हो जाएगा ये वाला वैल्यू, करेक्ट। अब यहां से समझिए कि पूरे पेड़ की लंबाई AB का लेंथ है, AB का लेंथ है 10, BC का लेंथ BD के बराबर है तो ये हो जाएगा 10√2, मतलब कि अगर मैं इसमें से 10 को कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा √2 + 1, 10√2 + 1 यानी सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए, अ वर्टिकल स्टिक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड
एट द सेम टाइम द टावर कॉस्ट द शैडो ऑफ 40 मीटर अलोंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए 12 सेंटीमीटर लंबी जो छड़ी है वो जमीन पर 8 सेंटीमीटर लंबी छाया डालती है, उसी समय एक मीनार जो है जमीन पर 40 मीटर लंबी छाया बनाती है, टावर की ऊंचाई बताइए। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, क्योंकि आपको ये समझना है जब यहां पर उसी समय की बात हो रही है, उसी समय की बात हो रही है, सेम टाइम बता रहा है। सेम टाइम का मतलब सूर्य की किरण जो है, सूर्य की किरण जो है यहां पर टावर है और यहां पर छड़ी है, ठीक है, बहुत दूर है सूर्य, तो यहां जो कोण बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ये सेम रहेगा दोनों के लिए। इसके शैडो के साथ हम बात करें, ये इसका शैडो है जो कि डिस्टेंस बनाएगा, इसके हाइट की बात करें। सेम चीज यहां पर भी थीटा अगर बना तो यहां भी थीटा बनेगा, क्योंकि सूर्य जो है बहुत दूर है और यहां पर इन दोनों जितने दूर है वो मायने नहीं रखती, क्योंकि सूरज जो है काफी दूर है धरती से, तो इतने दूर होने की वजह से यहां वाला एंगल को हम बराबर मानते हैं, क्योंकि सेम टाइम का बात हो रही है। तो यहां से आपको बात किया गया छड़ी की, तो ये 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ी है, तो मतलब इसका हाइट जो है ये 12 सेंटीमीटर है, साथ में ये जो है आपका 8 सेंटीमीटर है। तो इस छड़ी में यदि मैं टेन थीटा लगाऊं तो ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। सेम चीज यहां पर अगर हम देखें तो ये जो मीनार है ये 40 मीटर लंबी है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी इसको भी हमें एक्स मीटर में लेनी होगी, तभी तो ये मीटर और मीटर कटेंगे। और यहां पर जब टेन थीटा लगाओगे तो आ जाएगा 40 मीटर डिवाइडेड बाय एक्स मीटर। अच्छा यहां पर आपको छाया दी हुई है, अच्छा ठीक है इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये 40 मीटर जो है छाया है, तो आपको मीनार की लंबाई चाहिए, तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी, मतलब टेन थीटा जो हो जाएगी एक्स डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगी। बात समझ में आ रही, लेकिन ध्यान ये रखना कि ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो मीटर और मीटर तो यहां पर कट जाएंगे, बराबर मीटर मीटर यहां पे कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। 8 जो है इसको 5 बार काटेगा, 5 गुणे 12 करोगे तो x का वैल्यू जो है ये हो जाएगा 60 मीटर। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया? चलिए बी है सवाल का सही उत्तर, ठीक है आशा करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब यहां से देखिए दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पिलर डिक्रीजेस बाय 20 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिलर। जब सूर्य की उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो खंभे की परछाई 20 मीटर घट जाती है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए। देखिए इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, सबसे पहली बात, अच्छा चलिए यहां पर दो ऑप्शन सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा कि आंसर क्या सही है, ठीक है। देखिए यहां पर आपको समझना होगा कि ये जो 30 डिग्री से 45 डिग्री, इसको या आप रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 30 डिग्री 45 डिग्री के बारे में हम जानते हैं दोनों ट्रायंगल के बारे में, और लगभग सवाल ऐसा बनता है। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से सीखना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा, पहले मैं आपको विदाउट फॉर्मूला बता दूं। तो यहां से देखिए ये 30 डिग्री है, तो यहां पर ये वाला एंगल 60 डिग्री का बनेगा। दूसरी बात यह कर रहा है कि यहां पर सूरज जब था तो 30 डिग्री बन रहा था, कुछ समय के बाद सूरज यहां पे आ गया तो यहां पर एक्चुअली अब 45 डिग्री बनने लगा, तो ये वाला जो एंगल है ये भी 45 डिग्री का बनेगा, करेक्ट है कि नहीं है? ठीक, तो अब देखिए समझिए यहां पर आपको क्या चाहिए, पिलर की लंबाई चाहिए। तो अब ये 45 45 और 90 डिग्री वाले ट्रायंगल की ओर अपना ध्यान लेकर आइए, अगर ये ए है ये बी है ये सी होगा और ये डी होगा, ठीक है। 45 45 और ये 90 डिग्री वाले साइड में अगर मैं कहूं कि ये एच है तो ये जो BC निकल के आया ये भी तो H होगा, आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, ठीक। दूसरा वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल की ओर अपना ध्यान लेंगे, ABD ट्रायंगल में, ABD ट्रायंगल जो है 30 60 और 90 वाला ट्रायंगल है, तो 30 डिग्री के ऑपोजिट में अगर एक यूनिट होता है जो कि यहां H यूनिट है, तो 60 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड बना मतलब बी से डी जो बना ये √3 यूनिट होता है, मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी है ये √3 H हो जाएगा, ठीक। यहां तक आप सहमत है मेरी बातों से? तो ये जो CD लेंथ आया इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए यहां से यहां तक BD का लेंथ √3H है, BC का लेंथ H है, तो अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए तो √3 माइनस 1 इंटू एच बन जाएगा, बराबर। और इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है भाई 20 मीटर का, तो √3 माइनस 1H जो है ये 20 मीटर के बराबर है, तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में कोई ऐसा वैल्यू है? नहीं है, तो घबराने की क्या बात है, हमारे पास रैशनलाइजेशन है, तो रैशनलाइजेशन आप लगाइए, यहां पर रैशनलाइजेशन करोगे तो यहां ऊपर नीचे √3
प्लस वन और रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही रूट थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई होगा तो करोगे तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो थ्री माइनस वन यानी टू बनेगा। तो बीस मल्टीप्लाइड बाय ये जो वैल्यू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री प्लस वन और नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस एक यानी 2, 2 से काटने पर 10 आ रहा है, मतलब 10 इंटू रूट थ्री प्लस वन वाला जो ऑप्शन है वही सही है, 10 इंटू रूट थ्री प्लस वन वाला ऑप्शन सही है, मतलब सी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आई? ठीक है, अब देखिए यहां से आपको मैं ये समझाना चाहूंगा कि अब फॉर्मूला अगर जिन लोग को पसंद है तो फॉर्मूले से इसको कैसे सॉल्व करें वो भी हम समझ लेते हैं। ठीक, देखिए फॉर्मूला यदि आप निकालना चाहते हैं तो इसके ऊपर कई प्रश्न बनते हैं। कई बार ऐसा होता है लाइट हाउस से आप देख रहे हैं तो लाइट हाउस से बोट जो है कुछ दूरी तय कर लेती है, इसका एंगल दिया रहता है, आपको स्पीड निकालने को कहता है कि इतने टाइम में चेंज हुआ, तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो उसमें डायरेक्ट रिजल्ट सेम इसी का ही एप्लीकेशन होता है। तो यहां से देखिए ये लाइट हाउस अगर है या कोई भी बिल्डिंग है जिसका हाइट एच है, ठीक, यहां पर कोई एक कोण बन रहा है, यहां पर दूसरा कोण बन रहा है, इसको मान लेते थीटा वन, इसको मान लेते थीटा टू, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। ये अगर लेंथ डी वन है यहां से यहां तक, तो ये जो लेंथ है ये डी टू हो जाएगा यहां से यहां तक। ठीक, हमने जो रिजल्ट सीखा उस रिजल्ट को लगाएंगे। क्या रिजल्ट सीखा हमने? हमने ये रिजल्ट सीख के रखा है कि यहां पर जो डिस्टेंस होता है वो होता है एच कॉट थीटा, डिस्टेंस होता है एच कॉट थीटा। ठीक, तो इस डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। तो जो डी टू है इस d2 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, d2 के जगह पे लिख सकता हूं h cot थीटा 2। ये जो d1 है इस d1 के जगह क्या लिख सकते हैं, h cot थीटा 1, h cot थीटा 1। ठीक है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो चेंज हुआ, इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं क्योंकि सवाल इस x के ऊपर और इस हाइट के ऊपर पूछा जाता है। तो डायरेक्ट रिजल्ट ये कहता है कि x बराबर होता है d1 माइनस d2। तो अगर आप d1 माइनस d2 करोगे तो h तो कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। क्लियर, ये आपका रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट, इसको आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को जो हमने अभी अभी रिजल्ट देखा, इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली लगाना चाहें तो डायरेक्टली रिजल्ट ये कहता है कि ये 45 डिग्री है, यहां पर आपका 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री। आपको क्या बोला गया कि ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर है, तो सिंपल फॉर्मूला आप लगाएंगे कि 20 मीटर बराबर है हाइट जो कि है इस पिलर का हाइट h इनटू यहां पर cot 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री। सॉल्व हो जाएगा ये, क्योंकि cot 30 डिग्री होता है रूट थ्री, cot 45 होता है 1, इसको सॉल्व कर लीजिए तो h तुरंत निकल के आ जाएगा, सेम वैल्यू आएगा c। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 100 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम द रोड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल। दो समान ऊंचाई वाले खंबे जो है वो यहां पर 100 मीटर चौड़ाई रोड के दोनों किनारों पर स्थित है, एक बिंदु से उनके शीर्षों का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो प्रत्येक खंबे की ऊंचाई बताइए क्या है। तो देखिए यहां पर एक रोड है, ये रोड है, ये रोड के दोनों साइड में एक एक खंबा है जिसकी ऊंचाई सेम है, ये एच है तो ये भी एच है। बात कुछ ऐसी है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो थी वो थी 100 मीटर, एक साइड का एंगल जो है वो 30 डिग्री है और दूसरे साइड का जो एंगल है एलिवेशन वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो आपको बताना है हाइट का वैल्यू क्या है। सिंपल है, अगर मैं इसको ए मान लूं, ये बी मान लूं, ये सी मान लूं, ये डी मान लूं, ये ई मान लूं, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एच कॉट थीटा होता है। तो जो बीसी बना बीच में, बीसी ये हो जाएगा एच कॉट 30 डिग्री बराबर, और सीडी जो हो जाएगा, सीडी बराबर क्या हो जाएगा, तो सीडी बराबर हो जाएगा एच कॉट 60 डिग्री, और दोनों को जोड़ने पर 100 मीटर बन रहा है, मतलब बीसी प्लस सीडी को जोड़ने पर कितना बन रहा है, तो 100 मीटर बन रहा है। अगर मैं यहां पर एच को कॉमन निकाल लूं तो इसके ब्रैकेट में कॉट 30 डिग्री यानी रूट थ्री और इसके ब्रैकेट में 1 बाय रूट थ्री आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉट 60 डिग्री है, इन दोनों का सम जो हुआ वो कितना हुआ, तो 100 मीटर हुआ बराबर। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहां से h 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय रूट थ्री और ये आपके 100 के बराबर है। 4 से काटोगे तो 25 आ जाएगा, मतलब h का वैल्यू क्या है, तो है 25 रूट 3 मीटर।
25√3 मीटर, ए जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आने लगी होंगी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सवाल को अगर आप बिना फॉर्मूले के लगाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है भाई, क्योंकि अगर ये 30 डिग्री है तो आप जानते हैं ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, और 30 के सामने h तो 60 के सामने h√3 बनता है, बराबर। और क्योंकि यहां 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, और 60 के सामने √3 बना तो 30 के सामने 1 बनता है, मतलब ये वाला जो CD है ये h/√3 होगा, और पूरा का पूरा लेंथ है वो 100 के बराबर है, तो आप यहां पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं कि h√3 + h/√3 = 100 है। तो टोटल वैल्यू यहां से भी वही आएगा, आप या तो फॉर्मूला लगाइए या आप डायरेक्टली रेशियो ऑफ ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां आप पहले नॉर्मल तरीके समझिए। फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द फुट ऑफ द पिलर ऑन टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द टू पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द पिलर आर 9 मीटर एंड 16 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द टू पॉइंट्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द पिलर फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। जमीन पर स्थित एक रेखा पर, जमीन के एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु एक खंभे के उन्नयन कोण से एक दूसरे के संपूरक है, ठीक है, पूरक होंगे, और यदि दोनों बिंदु टावर के आधार से दूरी पर क्रमशः 9 मीटर और 16 मीटर पर है और दोनों बिंदु आधार के एक ही ओर है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल तरीका है, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं दो पॉइंट से और इन दोनों का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है पॉइंट का फुट से, तो डायरेक्टली इसका जो हाइट होता है वो हाइट बराबर हो जाता है 9 × 16 का स्क्वायर, मतलब दोनों डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर लेना तो 3 × 4 मतलब 12 जो है सवाल का सही उत्तर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है इसको डायग्राम के जरिए समझिए। देखिए आपको बोला है ए बी और सी और डी, बोला गया है कि ये दोनों पूरक कोण है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब θ1 + θ2 = 90 डिग्री, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब अगर ये थीटा बना तो ये 90° - θ बनेगा, बराबर। अब अगर ये हाइट h है तो एक डिस्टेंस 9 मीटर का है और जो दूसरा डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इतना जो डिस्टेंस है ये आपका 16 मीटर है, तो आप यहां पर दोनों ट्रायंगल में tan थीटा लगा लीजिए। सबसे पहली बात, अगर मैं यहां tan थीटा लगाऊं तो tan थीटा बराबर हो जाएगा h/9। दूसरी बात, अगर मैं इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाऊं तो tan, अब एंगल चेंज हो गया भाई, यहां थीटा नहीं है, 90° - θ है क्योंकि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर एक थीटा वन को मैंने थीटा लिया तो दूसरा वाला θ2 90° - θ1 यानी 90° - θ हो जाएगा, क्लियर। तो 90° - θ का वैल्यू क्या है तो h/16 है। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए, tan 90° - θ का मतलब क्या होता है, आप लोग कहेंगे cot थीटा होता है, तो ये जो है एक्चुअली क्या है, तो ये है cot थीटा, ये क्या है cot थीटा, और tan थीटा cot थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, मतलब ये अगर h/9 है तो tan थीटा बराबर 16/h भी होगा, क्योंकि ये cot थीटा है तो tan थीटा 16/h भी होगा। इन दोनों को सॉल्व करिए तो यहां पर h² = 9 × 16 ही तो आएगा और h√9 × 16 आएगा। अब बात समझ में आई कि मैंने ये जो रिजल्ट बताया क्यों बताया, तो विद इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ, एक लड़का अपने मैदान पर खड़ा होता है और उत्तर की ओर उड़ती हुई चिड़िया का उन्नयन कोण पाता है कि 30 डिग्री है। 2 मिनट के बाद वह चिड़िया जो है दो मिनट के पश्चात चिड़िया जो है वो दक्षिण में पहुंच जाती है और उसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का हो जाता है। यदि चिड़िया जो है वो 50√3 मीटर के समान ऊंचाई पर उड़ रही है तो चिड़िया की आपको बताना है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, ठीक है। चलिए इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिए, यहां पर दिया हुआ, अ बॉय स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ अ फील्ड फ्लाइंग अ बर्ड सीज ऑब्जर्व्स अ बर्ड फ्लाइंग इन द नॉर्थ विच इज एट 30 डिग्री angle of elevation. After 2 minutes, he observes the same bird is in south with an angle of 60 degree. If the bird flies along a straight line at 50√3 height, what is the speed in kilometer per hour? मतलब देखिए, suppose करिए कि ये north direction है. हालांकि देखिए direction and distance पे आपने पढ़ा है, ये east है, तो ये north होता है, ये west होता है और ये south होता है. मैं मान लेता हूँ कि ये वाला direction north है, तो वो वाला direction south हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए हमने direction को थोड़ा सा हमने अपने हिसाब से
इसको चेंज किया है कि ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ है और ये वाला डायरेक्शन साउथ है। तो होता क्या है कि यहां पर खेत में कोई बच्चा यहां पर खेल रहा होता है और ये देखता है कि यहां पर 50√3 हाइट पर, ये 50√3 हाइट पर एक चिड़िया उड़ रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, इस हाइट पर। यहां से यदि मैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन लू तो ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, 30 डिग्री का। दो मिनट के बाद क्या होता है, दो मिनट के बाद ये चिड़िया जो है वो यहां पे 50√3 हाइट पर यहां पहुंच जाती है साउथ डायरेक्शन में। यहां पर जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री का बन जाता है। दो मिनट में ऐसा होता है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको चिड़िया की स्पीड चाहिए। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। मतलब अगर हम ये निकाल लें कि चिड़िया दो मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है तो हमारे पास सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब क्योंकि ये 50√3 है तो अगर ये 50√3 है, लड़का अगर सपोज करिए कि इस पॉइंट पे खड़ा है, एन एम पर खड़ा है, तो आप बताइए एन एम बराबर क्या होगा। ये हो जाएगा 50√3 इंटू कॉट 30 डिग्री जो कि होता है √3, मतलब 150 हो जाएगा, 150। यहां तक समझ में आ रहा है? या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 60 डिग्री होगा और √3 के आगे अगर 50√3 है तो 1 यूनिट होता है, ये इसका √3 टाइम्स होगा तो 150 मीटर हो जाएगा ये वाला लंबाई। और अगर आप ms का वैल्यू निकालें, ms का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50√3 इंटू कॉट 60 डिग्री। डिस्टेंस ऐसे ही निकलता है फॉर्मूले से, मतलब 1/√3 करोगे तो 50 मीटर आएगा। या ऐसे भी समझ सकते हो कि ये अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। 60 डिग्री के सामने अगर √3 वैल्यू है तो 30 डिग्री के सामने 1 होता है और √3 का मान कितना, 50√3, तो ये वाला हो जाएगा 50। अब देखिए क्योंकि एक रेक्टेंगल जैसा फिगर बनेगा तो आपको समझना होगा कि चिड़िया जो है वो यहां से यहां तक पहुंची, ये जो दूरी है और नीचे जो ये दूरी है दोनों सेम है। मतलब कि चिड़िया यहां से लेकर यहां तक 200 मीटर की दूरी पूरा करेगी। यहां से लेकर यहां तक चिड़िया 200 मीटर की दूरी पूरा करेगी। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। 200 मीटर की दूरी कवर करने में चिड़िया को 2 मिनट का समय लगा। तो आपको क्योंकि किलोमीटर पर आवर में चीजें लिखनी है तो आप यहां से इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको बटा 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होता है। और 2 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से बांटना पड़ेगा, तो 60 ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में बताइए क्या हुआ, 1 2 3 1 2 3, 2 से 2 कट गया तो स्पीड कितनी आ रही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। तो 6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटे में जो स्पीड है वो इतनी है, ठीक है। चलिए तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ कंबाइंड करके इसी प्रकार से बनता है, तो आपसे ये इस तरीके के प्रश्न बनने चाहिए। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे। चलिए अब एक सवाल देखते हैं यहां पर, हाइट जो कि डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर बेस्ड सवाल है, ठीक है। 90 मीटर ऊंची पहाड़ से टावर के शीर्ष और आधार का अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या है आपको बतानी है, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ व्हिच इज 90 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री, तो आपको बताना हाइट ऑफ टावर क्या होगा। देखिए समझिए, यहां पर क्लिफ जो है ये लंबा है क्योंकि यहां से आप नीचे की ओर देख रहे हैं एक टावर को, जिसके ऊंचाई और इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले 30 डिग्री बना इसका और यहां पे 60 डिग्री बना, बराबर। तो अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से पूरा करूं तो ये वाला जो कोण है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है, तो ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री का बनेगा और ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो आप इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन ना लेकर एंगल ऑफ एलिवेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेम हाइट और सेम डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था जिसका यूज हम यहां पे कर रहे हैं, ठीक। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि आप जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होता है फॉर सेम पेयर ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है फ्रॉम अ क्लिफ विच इज 90 मीटर हाई। तो जो क्लिफ है, अगर मैं इस क्लिफ को ए भी मान लूं, ये 90 मीटर हाई है, ये पहाड़ी जो है 90 मीटर हाई। आपको बताया गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री 60 डिग्री, हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो इसका वैल्यू आपको निकालने को कह रहा है, ये एच है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो आप ये समझ सकते ही होंगे कि आप इस बी सी डी, ठीक है, इसको इस तरीके से मान लेते हैं, इसको ही मान लेते हैं। ये जो बी सी लंबाई है ट्रायंगल ए बी सी में, इसका आप बी सी आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 90
कॉट 60 डिग्री, क्योंकि यहां वाला कोण जो है 60 डिग्री है, तो हाइट दिया है तो यहां पर डिस्टेंस निकालना है, तो 90 कॉट 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि कॉट 60 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 30√3, क्योंकि 90 / √3 आएगा ना, तो रूट थ्री से काटोगे तो कितना आएगा, 30√3 बनेगा। अब जितना बीसी है उतना ही तो ईडी होगा, क्योंकि पूरी तरह से रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब ये भी 30√3 होगा। ये दोनों लेंथ क्योंकि 30√3 है, तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है रेक्टेंगल है, तो ऊपर वाला भी 30√3 होगा। यहां से आपके पास 30√3 है, ये 30 डिग्री है, तो ए ई निकल जाएगा। ए ई बराबर क्या होता है, ए ई बराबर हो जाएगा 30√3 इंटू टेन 30 डिग्री, ठीक है, टेन 30 डिग्री। अब ये 30√3 है, तो यहां पर टेन 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो एक बार फिर से रूट थ्री ही, 1/√3 होता है, मतलब ये हो जाएगा 30, इसका वैल्यू क्या आएगा, 30 आएगा, क्योंकि 30√3 डिवाइडेड बाय 1/√3 होगा, जो कि इसको काटने पर यहां पर 30 बन रहा है। मतलब ये जो AE, ये जो छोटा सा हाइट है, ये 30 के बराबर है, 30 मीटर के बराबर। हमें जो मोटिव था, हमारा मोटिव था हाइट निकालना, जो डीसी है इसको निकालना। तो अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये जो छोटा सा बचा हुआ पार्ट है, ये 90 - 30 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, और यही आपके टावर का हाइट है। कुछ चीजें जो कि मैंने फॉर्मूला के तहत किया, उसको आप बिना फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि 30, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो ट्रायंगल है, उसके साइड्स के रेशियो जो होते हैं वो 1√3 में होता है। तो अगर इस ट्रायंगल एबीसी को देखो, ये 60 था, यहां पर 30 डिग्री था, तो 60 डिग्री के सामने रूट तीन है, जो कि यहां पर 90 के बराबर है, तो एक के सामने 90 / √3 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है, तो ये 30√3। अब ये 30√3 है, 30√3। दूसरी बात, यहां पर अगर 30 डिग्री है, तो ये वाला पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, 30 के सामने 1, तो 60 के सामने √3 होता है, √3 का मान 30√3 दिया हुआ है, तो 30 के सामने वाला वैल्यू 30 हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने वाला वैल्यू 30 हो जाएगा, अगर ये 30 है और ये पूरा का पूरा 90 है, तो ये जो ई बी निकला, इसका वैल्यू 60 होगा, और क्योंकि ये टावर है, तो टावर भी इसका वैल्यू भी 60 मीटर ही हो जाएगा। क्लियर यहां तक? चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, यहां पर दिया हुआ है, एक लड़का कोई पतंग उड़ा रहा है, जिसमें पतंग के जो धागे की लंबाई है 100 मीटर दी हुई है, जिसे लड़के ने भूतल से, यानी कि उसके भूतल से 1 मीटर की ऊंचाई से पकड़ा हुआ है। फिर यदि पतंग की धागा जो है वो भूतल से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपको बताना है पतंग के भूतल की ऊंचाई कितनी है, भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है बतानी है। बहुत सिंपल सा सवाल है। अ पर्सन फ्लाइंग अ काइट सच दैट द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज 100 मीटर, ही इज होल्डिंग द थ्रेड एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए सबसे पहली बात, ये ग्राउंड है, यहां से कुछ ऊंचाई पर, यानी 1 मीटर की ऊंचाई पर एक व्यक्ति जो है यहां से पतंग उड़ा रहा है, और बोला गया है इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री का, मतलब यहां से 30 डिग्री की हाइट पर ये पतंग यहां पर है, ये इसका धागा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, यहां से इसका हाइट जो है आपको निकालना है, ठीक है। ये अगर काइट है, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, आपको एक्चुअली हाइट इस पॉइंट से निकालना है, जो कि पॉइंट सी होगा। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आप समझिए, ये लड़का जो है यहां पर पतंग को जहां से उड़ा रहा है, उस पतंग को जहां से पकड़ा है, वो 1 मीटर की हाइट पे है ग्राउंड से, और पतंग जो उड़ रही है वो भूतल के साथ यहां पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। आपको एक्चुअली इस पतंग का हाइट कहां से निकालना है, तो भूतल से निकालना है, मतलब ए से लेकर सी तक का ये दूरी आपको निकालना है। तो पहले आपका ए भी निकलेगा, क्योंकि आपको सीधा सिंपल सा वैल्यू दिया हुआ है कि 100 मीटर जो है धागे की लंबाई है, मतलब ये जो ए सी, ए इसको डी मान लेते हैं, इस ए डी का लेंथ आपको 100 मीटर दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप ए बी निकालना जानते हैं। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी हो जाएगा भाई 100 × sin 30 डिग्री, ठीक है, ये हमने देखा है, तो ये हो जाएगा 100 × sin 30 का मतलब आधा होता है, तो ये हो जाएगा 50 मीटर, मतलब ये जो ए बी है इसका वैल्यू हो गया 50 मीटर का। तो 50 मीटर मार्क करके अगर आप आंसर दे देंगे तो गलत होगा, क्योंकि ये भूतल से इसकी लंबाई नहीं है, ये उस जगह से इसकी ऊंचाई का बात कर रहा है जहां से इसने उस पतंग को पकड़ा हुआ है, उस पतंग के धागे को पकड़ा हुआ है। लेकिन ये पतंग के धागे को जहां पकड़ा है वो 1 मीटर ऊंचाई से पकड़ा है भूतल से, मतलब इसमें 1 मीटर और पकड़ा मतलब जोड़ना होगा 1 मीटर और, तब टोटल जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 51 मीटर हो जाएगा, यानी सी जो है इस सवाल का सही उत्तर। क्लियर यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं इस वीडियो को यहां पर रोकता हूं। आशा करता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, इसके ऊपर भी आधारित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो डेफिनेटली आपसे ये सवाले बनेंगे।
ठीक है। चलिए अब यहां से आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से कंप्लीट है। इस हफ्ते के जो वीकेंड पे आपको प्रैक्टिस शीट मिलते हैं वहां पे मैं सारे जितने भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं 25 के 25 सवाल उसमें मैं आपको दूंगा, आप उसको जरूर सॉल्व करिए। आने वाले वेडनेसडे को आपको उसका आंसर की प्रोवाइड हो जाता है। चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ इस वीडियो को यहाँ पे मैं रोकता हूँ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।